हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड। देखिए, इसके दो पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। ये क्विक रिवीजन होगा, लगभग 5 मिनट की वीडियो होगी, तो आप इसे देख सकते हैं, आपको जरूर हेल्प करेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसके अंदर राष्ट्रीय आय के जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है सिलेक्शन मेरा हेल्प करके, 28, 29, 30, 31, 4 दिन के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और आपको 1 ईयर का पास प्रो 395 में मिल जाएगा। ये देखिए, 28 से 31 जुलाई तक सिलेक्शन मेरा हक सेल है, जिसके अंदर आपको 395 में पास प्रो मिल जाएगा। देखिए, इसके अंदर PYQs है सारे, CGL के, CHSL के, और फुल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, सारे टेस्ट अवेलेबल है। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, देश के नागरिकों की आय। देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, देश के नागरिकों की आय को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादाभाई नौरोजी ने, और दादाभाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, दादाभाई नौरोजी के टाइम पे प्रति व्यक्ति आय का आकलन कितना किया गया था, 20 रुपये। ये 1867-68 की बात है, उस टाइम पे 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। और पहली बार वैज्ञानिक आकलन कब किया गया, सन 1931 से 32 के बीच, ये किया था VK राव ने। देखिए, प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इससे हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। और राष्ट्रीय आय समिति का निर्माण कब हुआ था, सन 1949 में हुआ था, और इसके हेड कौन थे, PC महालनोबिस, और सदस्य कौन कौन थे इसमें, VR राव और R गॉडगिल। ये 3 सदस्य की समिति थी, जिसके अंदर हेड थे PC महालनोबिस और 2 सदस्य थे इसके, VR राव और R गॉडगिल। देखिए, नेशनल इनकम के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, GDP, GNP, NNP, NDP, इन सबको मिलाकर के हम नेशनल इनकम निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले 1951 नेशनल इनकम का मापन कौन करता था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, लेकिन 2019 से इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो नेशनल इनकम है उसका मापन कौन करता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO। और देखिए, NSO किसके अंडर में आता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसके अधीन आता है, और इसके वर्तमान मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या याद रखनी है हमें, कि 2019 से इसका नाम क्या हो पड़ गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और दूसरा, ये किसके अंडर में आती है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, और इसके मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। नोट, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है, तो क्या शामिल नहीं होता है, फर्स्ट है मध्यवर्ती वस्तु मूल्य, सेकेंड है विदेशों से प्राप्त उपहार गिफ्ट, और थर्ड है हस्तांतरण भुगतान पेंशन, जैसे पेंशन, गिफ्ट, बेरोजगारी भत्ता, डोनेशन, लॉटरी। तो देखिए, एक तो जो बीच की वस्तुएं होती है वो हमेशा शामिल नहीं होती है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले आपने गेहूं लिया, गेहूं से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच, तो अंतिम उत्पाद क्या हुआ आपका, सैंडविच। तो सैंडविच का जो प्राइस है वही शामिल होगा राष्ट्रीय आय में। जिस गेहूं और ब्रेड से सैंडविच बना है उन दोनों का मूल्य हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो सैंडविच की वैल्यू है वही हम काउंट करेंगे। सेकेंड है विदेशों से प्राप्त उपहार, जैसे बाहर से आपको अगर कुछ कोई गिफ्ट मिला है तो उसको भी आप राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो पैसा है वो पहले से इंक्लूड हो चुका है। नेक्स्ट है हस्तांतरण भुगतान पेंशन, अब जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, गिफ्ट मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, डोनेशन मिलता है, या किसी की लॉटरी खुलती है, ये सब चीज़ें भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। अब आता है नेशनल इनकम का मापन, फर्स्ट है आय विधि इनकम, सेकेंड है व्यय विधि एक्सपेंडिचर, और थर्ड है मूल्यवर्धित विधि यानी वैल्यू एडिशन मेथड। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले गेहूं, मान लीजिए आपने 5 kg गेहूं लिया 500 रुपये का, उससे आपने ब्रेड बनाई, तो ब्रेड का मूल्य कितना है, 600 रुपये। आपने जो ब्रेड बनाई उसके अंदर उसकी वैल्यू ऐड हो गई, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो वो ब्रेड बनी 600 रुपये में। फिर आपने उस ब्रेड से बनाया सैंडविच, तो वो कितने में पड़ा, 1000 रुपये में, यानी उसके अंदर आपने और चीज़ें ऐड की तो वो कितने का हो गया, 1000 रुपये का हो गया। तो नेशनल इनकम में अंतिम वस्तु का मूल्य ऐड होगा, यानी सैंडविच का मूल्य। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 500 गेहूं का भी ऐड कर दिया, 600 ब्रेड का भी ऐड कर दिया और सैंडविच का भी 1000 कर दिया। उसी गेहूं से तो ब्रेड बना, फिर उसी ब्रेड से सैंडविच बना, तो हमें जो लास्ट में जो चीज़ बनती है उसी का मूल्य हम लेते हैं, क्योंकि सैंडविच के अंदर गेहूं का मूल्य भी ऐड हो गया और ब्रेड का भी। जिसने सैंडविच बनाया उसने वो ब्रेड लेके आया होगा तो उसको वो 600 में पड़ी, और जिसने ब्रेड बनाई वो गेहूं लेके आया उसको 500 में पड़ा, तो ये मूल्य पहले से ऐड हो चुका है।